आपने खुद देखा है कि सिर्फ भाई को भाई से लड़वाने के अलावा इस सरकार ने कुछ नहीं किया है। जो चाहती है तो ये हिंदू मुस्लिम का इशू खड़ा कर देते हैं और वो चीज़ को दबा देते हैं। केजरीवाल और ओवैसी ये दोनों भाजपा की बी टीम है, वो सिर्फ कांग्रेस का वोट काटना और बीजेपी की मदद करने के लिए है, बीजेपी नहीं है। जैसे पंजाब में बीजेपी बिल्कुल नहीं है। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी, द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में चल रहा है, लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। इसी बीच गुजरात के चुनाव है, हिमाचल प्रदेश के चुनाव है और हमारे साथ जो है महेंद्र सिंह वोरा जी हैं, अपने पूरे परिवार के साथ इस पूरे यात्रा में चल रहे हैं। फिलहाल ये कन्याकुमारी से चल रहे और परिवार इनका जो है महाराष्ट्र में इनके साथ पूरे यात्रा में चल रहा है। सवाल सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इलेक्शन भी है सर पर, मगर राहुल गांधी ने कहा है कि हमारा जो मिशन है वो इलेक्शन नहीं है बल्कि आपसी भाईचारा को बढ़ाना है, नफरत को ख़त्म करना, और इसीलिए इसी तरह के नारे भी पूरे भारत जोड़ो यात्रा में लग रहे हैं। महेंद्र जी, सबसे पहले ये कि चुनाव है और यात्रा भी है, तो क्या हम इस बात का उम्मीद कर सकते हैं कि यात्रा जो हो रही है वो चुनावी नहीं है, मगर क्या इस यात्रा का असर चुनाव पर पड़ेगा? ये जो यात्रा है, जैसे कि आपने भी पहले ही बोल दिया कि भारत को जोड़ने की यात्रा है, 2014 से पहले जो बीजेपी सरकार में नहीं थी और 2014 के बाद जो सरकार आई पिछले 8 साल में, आपने खुद देखा है कि सिर्फ भाई को भाई से लड़वाने के अलावा इस सरकार ने कुछ नहीं किया है। जो भी इस सरकार की गलतियां जनता के बीच में उठाना चाहती है तो ये हिंदू मुस्लिम का इशू खड़ा कर देते हैं और वो चीज़ को दबा देते हैं। और रही बात चुनाव की, राहुल जी ने पहले ही बोला है चुनाव का इस यात्रा से कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस का मिशन जो है भारत को जोड़ने का है और हम लोग उसी मुद्दे पे आगे चल रहे हैं। तो सवाल ये है कि यात्रा जो चल रही है तो उसका उद्देश्य तो ये भी है ना कि सरकार जब तक नहीं बदलेगी, जो लोग आपके पास आश्वासन, मोहब्बत या उम्मीद लेके आ रहे हैं, उस उम्मीदों को आप पूरा कैसे करेंगे? देखिए, 2024 को अभी टाइम है, ठीक है, अभी प्रायोरिटी है देश जोड़ने की। देश जो तोड़ रहे हैं उनसे देश को बचाने की, पहले मेरा घर संभलेगा, बाद में मैं सोचूंगा कि कैसा चलना है, कैसे चलाना है, ये राहुल जी का सोच है। तो चुनाव को हम ना सोच रहे हैं ना हम चुनावी राजनीति कर रहे हैं। पब्लिक जोड़ो, जनता जोड़ो, आपस में प्यार बनाए रखो, इस मुद्दे पे हम लोग आगे जा रहे हैं। देश में दो मुख्य सियासी दल है, भाजपा और कांग्रेस। कांग्रेस की एक विचारधारा है, भाजपा की एक विचारधारा है, बाकी जितनी पार्टियां हैं वो मिली जुली विचारधारा के साथ चल रही है। तो सवाल ये है कि गुजरात का इलेक्शन है, केजरीवाल जी हैं, चूँकि आप पंजाब से आते हैं, तो मेरा सवाल यही है कि फिर पंजाब में कांग्रेस के खिलाफ मजबूती से लड़ी, कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया, और गुजरात में भी शायद वैसे ही तस्वीर बनाने की कोशिश चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि केजरीवाल किस तरह का बंदा और क्या भाजपा से किस तरह के संबंध दिखते हैं आप? देखिए, केजरीवाल और ओवैसी ये दोनों भाजपा की बी टीम है। आप कहीं पे भी देखिए, ओवैसी हैदराबाद के आगे कहीं नहीं है, लेकिन वो ये जानता है कि हाँ भाई, वो जहाँ पे प्रचार करेगा कांग्रेस के वोट कटेंगे। अगर वो अपने समाज से इतने ही लॉयल है, न्यूट्रल रहे, या खुद इतने पावरफुल हो जाए कि हाँ भाई उनकी सीट आए, वो सिर्फ कांग्रेस का वोट काटना और बीजेपी की मदद करने के लिए है। रही बात केजरीवाल की, आप खुद उसको जज कीजिए, जहाँ बीजेपी नहीं है, जैसे पंजाब में बीजेपी बिल्कुल नहीं है, वहाँ उन्होंने पूरा बैकअप, फंड्स, हर चीज़ केजरीवाल के पीछे लगा दिया। अब ठीक है, जनता का जो निर्णय है हमने स्वीकार किया, हम फिर मेहनत करेंगे, फिर सरकार बना लेंगे। ये है कि केजरीवाल क्या सच में, क्योंकि जब केजरीवाल जी सत्ता में आए 10 दिन के अंदर सिद्धू मूसेवाले की हत्या हो जाती है और राहुल गांधी ने इसकी पहले से पुष्टि कर दी थी कि इस तरह का सिचुएशन होना है, राहुल जी ने पैंडेमिक को लेकर भी कहा था, तो राहुल जी इस पूरे यात्रा में और यात्रा से पहले कितने अलग दिख रहे थे? देखिए, राहुल जी शुरू से ही सही सच का साथ देते रहे हैं और देते रहेंगे। उनका एक ही बोलना है, मैं सच के अलावा बात करूँगा नहीं। अब केजरीवाल की बात है, वो तो भाई आप डे वन से देख रहे हो, अच्छा अन्ना आंदोलन था, इधर पलटी खाई उधर पलटी खाई, इनका तो आए दिन चलता है, तो इस चीज़ को लेके ज़्यादा भ्रम में पब्लिक भी ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। और आज नहीं कल दुनिया को पता चल, अब तो पता चलना शुरू हो गया है, लेकिन सत्ता परिवर्तन वापस हो जाएगा और कांग्रेस का विकल्प कोई नहीं रह पाएगा। राहुल जी कितने मजबूत दिखे, आप करीब से देख रहे हैं तो कितने मजबूत हैं और कितने मजबूत इस यात्रा में दिख रहे हैं? देखिए, जब ये यात्रा शुरू हुई थी
उसके पहले हमें भी नहीं पता था कि इतना तगड़ा जनता का समर्थन मिलेगा, और जैसे जैसे यात्रा आगे जा रही है जनता का समर्थन बढ़ता जा रहा है। और लीडर को क्या चाहिए, देश की जनता उसके साथ रहे, और यही होने जा रहा है, और बहुत जल्दी ही इसके रिजल्ट भी मिलेंगे। अभी प्रायोरिटी चुनाव नहीं है, लेकिन 2024 में 100% रिजल्ट मिलेगा, परिवर्तन होगा, 100% होगा, क्योंकि देश की जनता ऊब चुकी है झूठी महंगाई वाली भ्रष्टाचारी सरकार से, जो सिर्फ और सिर्फ अपने बातों को छुपाने के लिए लोगों को धार्मिक झगड़े करवा रही है और कुछ नहीं है। और मुलाकात आपकी इस यात्रा में हुई? इस यात्रा में मेरी 4 बार मुलाकात हो चुकी है। एक बार मैंने उनके साथ वॉक किया है, एक बार लंच ब्रेकफास्ट में, एक बार डिनर में, एक बार वैसे। और सबसे बढ़िया चीज़ या कोई खूबी आपको इस पूरे 4 मुलाकात? सबसे कूल इंसान मैंने अगर किसी को देखा है तो राहुल जी से बढ़ के कोई कूल नहीं मिला मुझे आज तक। जो हार का डर क्यों नहीं है? जो सच्चाई का साथ रहता है ना, वो हार या जीत का सोचता भी नहीं है, और वो उनको ये चीज़ का कॉन्फिडेंस है, आज हार है तो कल जीत है। मोरबी का ब्रिज गिरा, राहुल जी ने कहा कि हम लाशों की राजनीति नहीं करते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बंगाल इलेक्शन का वीडियोस वायरल हुए, तो सवाल ये है कि क्यों नहीं कर लेते, थोड़ा सा वोट आ जाएंगे, सीट्स बढ़ जाएंगे, तो क्या दिक्कत है? जनता को भी तो शायद वही मसाला पसंद है। नहीं देखिए, जैसा आपने खुद ही बता दिया है, वहाँ जो पुल ढहा, इतने लोग मर गए हैं, तो उसमें राहुल जी ने क्या बोला और मोदी जी ने क्या किया? अस्पताल में जा रहे हैं, एक दिन में अस्पताल में इतना, जो इतने साल से अस्पताल की पेंटिंग नहीं हुई थी, चमचमाते हुए 5-स्टार होटल जैसा अस्पताल बन गया, और क्या चाहिए जनता को? लेकिन ये ठीक नहीं है लाशों की राजनीति करना, वैसे भी इन लोगों के लिए क्या, शुरू से वही करते आ रहे हैं, और आगे भी उनसे उम्मीद ही कुछ नहीं है। उम्मीद करते हैं जनता ही चेंज लाएगी और इनको सबक सिखाएगी। एक और भाई है हमारे साथ पूरे यात्रा में, पिताजी के साथ देने के लिए आए हैं। सर ये बताइए, क्या नाम है आपका? हरगुन, हरगुन मोहरा। अच्छा हरी जी, ये बताइए कि यात्रा चल रही है, आप कब से अपने पिताजी के साथ यात्रा में चल रहे हैं? मैं प्रदेश में यात्रा में चल रहा हूँ पिताजी के साथ, पूरा महाराष्ट्र चलने वाला हूँ। अच्छा। जी ज़्यादा मजबूत आप हैं या पिताजी हैं? लग रहा है कि पिताजी ने इस यात्रा के बाद आपको टक्कर देने का पूरा मन बना लिया। जी बिल्कुल, फिलहाल तो उनका कोई इरादा नहीं है, यहाँ पे जितने भारत यात्री, किसी का कोई इरादा नहीं है, सब लोगों के मन में एक ही जुनून है, इस पूरी यात्रा को पूर्ण करने के बाद ही सब लोग यहाँ पे आराम लेंगे। जी तो आप क्या करते हैं वैसे, क्या क्वालिफिकेशन है? देखिए मैं ग्रेजुएट हूँ और फिलहाल मैं वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ। तो रोजगार को लेकर जब आपके दोस्त साथी बात करते तो उनके मन में क्या राहुल जी के प्रति ये है कि राहुल जी अगर सत्ता वापसी करते हैं तो रोजगार बेहतर हो जाएगा? जी बिल्कुल, अभी जो सरकार अभी फिलहाल हो रही है, आप कब देखते हैं कि आप एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं, आप डेवलपमेंट के बारे में आपने लास्ट टाइम कब सुनी है बात? हम जब बात करते हैं हम सिर्फ लड़ाई की बात करते हैं, लड़ाई के अलावा बात हो तो बात की जाए। इस यात्रा का मतलब ही इसलिए है कि हम देश के फ्यूचर के बारे में सोचें, ना कि आपस में जो बहन भाई है उनको लड़ाने के बारे में सोचें। पंजाब जो है वीरों की भूमि है, देश को कई सारे ऐसे वीर दिए हैं पंजाब ने जिसने देश की सुरक्षा की है, रक्षा की है। अब सवाल यह है कि अग्निवीर का जब चीज़ निकला तो पूरे देश के बच्चों ने प्रदर्शन किया, प्रदर्शन के साथ ही साथ जो है लोगों ने कहा कि भाई जो है अग्निवीर ख़त्म करना चाहिए, तो पंजाब से एक भरी बड़ी मात्रा में जो है बच्चे आते हैं, आर्मी में जाते हैं, डिफेंस में जाते, तो उन लोगों के मन में ये सवाल पैदा हुआ कि हमारा इंसल्ट किया जा रहा है, क्योंकि 4 दिन में आपकी 4 महीने के ट्रेनिंग में आप किसी सिविलियन को डायरेक्ट आर्मी में या एयरफोर्स में नहीं ले सकते। ये एक खेल है सिर्फ नौजवानों को बेवकूफ़ बनाने का तरीका, उनको गुमराह करने का तरीका। अग्निवीर जो इन लोगों ने प्रोग्राम बनाया है जिसका कोई तुक नहीं है, लगे तो हमारी डिफेंस सिस्टम को ये लोग कमज़ोर करने पे तुले हुए हैं। हम जैसे को डिफेंस पे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारे देश की बात है तो हम बोलेंगे ज़रूर। डिफेंस कमज़ोर होगा मतलब हमारा देश कमज़ोर होगा, देश के साथ खेलना बहुत गलत चीज़ है। अब राहुल गांधी के साथ चले तो ये तमाम विषय जो है बदलाव की तरफ? बिल्कुल बिल्कुल, यही चाहेंगे कि ये सरकार जाए, नवी सरकार आए, कांग्रेस की लीडरशिप में सरकार आए, राहुल गांधी जी की लीडरशिप में सरकार आए, और हमारा देश डेवलपमेंट की बात करें, ना कि लड़ाई झगड़े की बात करें। तो लगातार बातचीत हो रही थी, महेंद्र सिंह जी से बात हो रही थी, और ये अपने पूरे परिवार के साथ यात्रा में चले। रजा अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए।